कोलकाता के आरजेकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट अब सख्त है। भीड़ की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं थी, सवाल पूछा गया है हाईकोर्ट की ओर से, आपने सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए। हनुमान जयंती पर भी ऐसा हुआ, राज्य मशीनरी पूरी तरह नाकाम है। तो देखिए हाईकोर्ट की ओर से ये कुछ सवाल पूछे गए हैं पूरे मामले को लेकर के, सुरक्षा को लेकर सवाल पूछा गया। खासतौर पर आरजेकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त है। सवाल पूछ रहा है कि भीड़ की जानकारी आखिर पुलिस को क्यों नहीं थी, सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। हनुमान जयंती पर भी ऐसा ही हुआ था, राज्य मशीनरी पूरी तरह से फेल है। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। दिल्ली में आज बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। तस्वीरें लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली की है, जहां बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे मेडिकल के इन छात्रों ने बैनर पोस्टर के साथ अपना आक्रोश जाहिर किया, जमकर नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ डॉक्टरों ने पैदल मार्च भी निकाला। विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि कोलकाता के लेडी डॉक्टर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। फोड़ा और दूसरे संगठनों के सहयोग से आज शाम 6 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च का आयोजन किया जाएगा। संगठन की तरफ देश भर से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से इसमें शामिल होने का आह्वान किया गया है। कैंडल मार्च शांति पूर्वक निकाला जाएगा। कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में कल आधी रात हुए हमले के मामले में पुलिस एक्शन जारी है और इस मामले में पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है। देखिए अभी की अपडेट क्या है। तस्वीरें कोलकाता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में हुए बवाल की हैं। कल आधी रात हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 FIR दर्ज की हैं। वीडियो के आधार पर 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस ने इस मामले में 50 संदिग्धों की फोटो भी जारी की है। पुलिस की ओर से जारी इन तस्वीरों में ये वो संदिग्ध आरोपी हैं जिन्होंने कल आधी रात को कोलकाता में कोहराम मचाया था। ये उन संदिग्ध गुनहगारों की तस्वीरें हैं जिन पर आरजेकर अस्पताल में घुसकर उत्पात मचाने का आरोप लगा है। ये उन उपद्रवियों की तस्वीरें हैं जिन्होंने जमकर तोड़फोड़ की थी। ये वो लोग हैं जो शांति से चल रहे कैंडल मार्च में घुसकर उपद्रव मचा रहे थे। कोलकाता पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्टर में हिंसा में शामिल संदिग्धों की तस्वीरें शेयर की हैं। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा है कि नीचे तस्वीरों में लाल घेरे में दिख रहे संदिग्धों की पुलिस को तलाश है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर ये संदिग्ध दिखें तो वो पुलिस को तुरंत बताएं। कोलकाता में आधी रात को दंगा करने वाले आरोपियों की तलाश तेज है, लेकिन सवाल उठता है कि इतनी तैयारी के साथ ये उपद्रवी कैसे अस्पताल पहुंचे। कोलकाता के लेडी डॉक्टर हत्याकांड में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। सीबीआई हर एंगल को जोड़कर इस मामले की जांच में जुट गई है। 4 ट्रेनी डॉक्टरों को भी इस बीच पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसी कड़ी में सीबीआई की 2 टीम गुरुवार को आरजेकर हॉस्पिटल पहुंची, अस्पताल की प्रिंसिपल स्वेता पॉल से पूछताछ की। गुरुवार को करीब 10:30 बजे सीबीआई की टीम अपनी गाड़ी से प्रिंसिपल को ले गई और सीबीआई उनसे मुख्यालय में पूछताछ की। दरअसल कॉलेज के छात्र लगातार प्रिंसिपल स्वेता पॉल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे और उनके कार्यालय का घेराव भी किया गया था। प्रिंसिपल को सीबीआई की टीम सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ले जाने के बाद फिर उन्हें छोड़ दिया, वो अपनी कार से घर के लिए रवाना हो गई। इस तरह से सीबीआई की मदद से प्रिंसिपल को घेराव से मुक्त किया गया। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर की रेप कर हत्या के बाद हत्या के मामले पर बवाल मचने के बाद संदीप घोष ने आरजेकर के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के कुछ ही घंटों के भीतर संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट की आपत्ति पर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। इस बीच आरजेकर के प्रमुख के रूप में संदीप घोष की जगह स्वेता पॉल को नियुक्त किया गया, जो अब तक स्वास्थ्य भवन के ओएसडी की जिम्मेदारी संभाल रही थी। सीबीआई की टीम अब संदीप घोष से भी पूछताछ की तैयारी में जुट गई है। कोलकाता के आरजेकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी चक्का जाम और कैंडल मार्च के जरिए विरोध जता रही है, तो वहीं सीएम ममता बनर्जी भी पैदल मार्च निकालेंगे। देखिए पूरी खबर।
तस्वीरें कोलकाता में बीजेपी के कैंडल मार्च की है। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास तक कैंडल मार्च निकाला तो बीजेपी ने आरजीकर अस्पताल के पास भी धरना प्रदर्शन के जरिए विरोध जताया। कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप और हत्या मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की मांग की और ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले पर जारी सियासत के बीच आज सीएम ममता बनर्जी भी पैदल मार्च निकालेंगी। सीएम ममता का विरोध मार्च आज शाम 4 बजे शुरू होगा। ये विरोध मार्च मोलाली से बोरीना क्रॉसिंग तक होगा। इस बीच ममता सरकार पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी सवाल उठाए हैं। बहुत दुखद बात है कि सीबीआई को केस रिकमेंड करने के लिए उन्हें सिर्फ 70 सेकंड चाहिए थे, यानी कागज पे दस्तखत करना, उसमें तो कह रही थी 7 दिन का समय चाहिए और यानी ये कह रही थी साक्ष्यों को देखने में 7 दिन का समय चाहिए। अब ये कहना मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी खिसियाहट नहीं बल्कि शरारत का भी। ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें उनकी वोट बैंक की सियासत है। और कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड की जांच तेज। कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के आरोपी का मेडिकल सीबीआई की टीम ने आज करवाया संजय रॉय का मेडिकल। सीबीआई की टीम आज सुबह लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय को सॉल्ट लेक इलाके से लेकर निकली। कोलकाता पुलिस से हैंडओवर मिलने के बाद सीबीआई की टीम आरोपी संजय रॉय को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में अपने साथ रखा है, जहां आरोपी से लंबी पूछताछ के बाद आज मेडिकल करवाया गया। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने कल आरजीकर हॉस्पिटल का दौरा किया था। दरअसल सीबीआई को ये केस अपने हाथों में लिए हुए 3 दिन हो चुके हैं। एजेंसी जाँच कर रही है घटना वाली रात को आखिर क्या हुआ था, पुलिस इस घटना की किस तरह जांच कर रही थी और अस्पताल प्रशासन ने पुलिस की किस तरह मदद की। सीबीआई फिलहाल आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसके बाद नर्सिंग स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही कोलकाता पुलिस की गठित एसआईटी के लोगों से पूछताछ होगी। इससे पहले कल सीबीआई की टीम पीड़ित लेडी डॉक्टर के घर भी पहुंची थी, जहां सीबीआई के अधिकारियों ने पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की और उनके बयान भी दर्ज किए थे। दरअसल सीबीआई की तरफ से हर एंगल से जांच की जा रही है, कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। और इस बीच इस मामले को लेकर एक और बड़ी खबर, कोलकाता में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है सड़कों पर उतरी हुई बीजेपी। जिस तरह से ऐलान किया गया था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस तरह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हंगामा हुआ और जिस तरह से जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या को अंजाम दिया गया, इसके बाद से ही बीजेपी हमलावर है ममता बनर्जी सरकार के ऊपर, पुलिस और प्रशासन के खिलाफ। और इस वक्त की खबर यह है कि बीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी की तरफ से ऐलान पहले ही कर दिया गया था कि आज वो ममता बनर्जी के आवास तक मार्च भी निकालेगी। और इस बीच कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी और खबर आ रही कि पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। The world can fall apart, but BJP will protest for Abaya. तो आप देखिए बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता हैं और साथ साथ जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से ये जानकारी सामने रखी जा रही है कि किस तरह से उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जानकारी है कि पुलिस के साथ झड़प हुई है बीजेपी कार्यकर्ताओं की। ये मार्च, ये प्रोटेस्ट जो कि जूनियर डॉक्टर की हत्या और रेप के बाद एक जो उबाल आक्रोश नजर आ रहा है ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि पूरे देश भर में, इसके बाद आज बीजेपी की तरफ से कोलकाता में प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई है, ममता बनर्जी के आवास तक मार्च को निकालने का ऐलान किया गया था, पुलिस के साथ झड़प की खबर है, ये देखिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, आक्रोश दिख रहा है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के डॉक्टर भी अपना विरोध जता रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की है, जहां ओपीडी सुबह से सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन अचानक से ओपीडी के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद आरएमएल अस्पताल के मरीजों ने लॉबी में जमकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस भी बुलानी पड़ गई, जो लोगों को समझाते और शांत कराते हुए नजर आए। इससे पहले भी डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ओपीडी सेवा प्रभावित हुई थी, मरीजों की काफी लंबी कतारें लग गई थी। हड़ताल के कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था।
वहीं आज पंजाब में डॉक्टर्स ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें अमृतसर की है, जहां कोलकाता लेडी डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर्स ने जमकर नारेबाजी की। भोपाल में भी डॉक्टर्स ने अपना विरोध जताया। हमारा प्रोटेस्ट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो भी कलकत्ता में हुआ, बाकी डॉक्टर्स के साथ जो हुआ, हम उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई महिला अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित है। जो भी हुआ ये बहुत ही बुरा था, ऐसे तो हम काम करने ही नहीं आ पाएंगे। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप मामले पर हैरान करने वाला मामला बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अस्पताल में हुई हिंसा का सारा ठीकरा वाम और राम पर फोड़ रही। आमी जतटुकु इनफरमेशन पेयेछि आमी छात्र छात्रीदेर कोनो दोष दिच्छि ना, बहिरागत किछु राजनैतिक लोक जारा বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আপনি শুনো, পশ্চিম বঙ্গাল কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ক্যা কে রহি হ্যায়, ও খুদ এক মহিলা হ্যায় আর পশ্চিম বঙ্গাল মে এক মহিলা ডক্টর কে সাথ জঘন্য অপরাধ হুয়া, লেকিন মমতা রাম আর ওয়াম ওয়ালা এজেন্ডা আগে কর ধ্যান ভটকানে কি কোশিশ মে জুটি হ্যায়। জিস কাণ্ড কে বাদ বঙ্গাল সুলগ রহা হ্যায়, জিস ওয়ারদাত কে বাদ पूरे देश में गुस्सा है, वो राम वाम की राजनीति में लगी है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी रेप मर्डर गुंडागर्दी पर राम का नाम क्यों ले रही है? क्या प्रशासन की नाकामी को छिपाने के लिए धार्मिक एंगल दिया जा रहा है? क्या ममता वाम और राम से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है? और कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के बाहर डॉक्टरों का धरना जारी है। डॉक्टरों ने सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्स की मांग की है। कोलकाता पुलिस पर डॉक्टरों को भरोसा नहीं। आर्टिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर का हड़ताल बदस्तूर जारी है और इन सब के बीच डॉक्टर की डिमांड भी बढ़ने लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन फोर्स दीजिए ताकि किसी भी तरीके से हमें सुरक्षा हो सके। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपको देखिए कि सारे के सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और उनकी डिमांड इस बात को लेके है कि हमें जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए था वो प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हमें जो है प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए और उस प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं और सारे डॉक्टर यहाँ पर। दादा, आपको लगता है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन जो है आप लोगों को जरूरी है? बहुत जरूरी है, हम लोगों को हर रात डर लगा रहता है कब फिर से वो वाला जो पेड मॉब से वो फिर से आके हम लोगों को अटैक कर दे, क्योंकि पुलिस के ऊपर हमारा जो भरोसा था वो उठ चुका है। एक सारे के सारे लोग से दिखाने के लिए ये काम के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इनका हायर अथॉरिटी बिक चुका है। सीबीआई का जो इंक्वायरी चल रहा है, आप लोगों को उम्मीद है कि उसमें जस्टिस कुछ मिल सकता है? हाँ, जस्टिस तो मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ा जल्दी हो जाता तो ठीक होता, लेकिन अभी देख सकते हैं बहुत स्लो चल रहा है सब कुछ। आप लोगों को लगता है कि जो प्रोटेक्शन है वो सेंट्रल फोर्सेस का प्रोटेक्शन होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट हो सके आप लोग? हाँ, हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम लोग का जो राज्य पुलिस लोग हैं और जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है उनके ऊपर हम विश्वास या आशा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट जो हुआ था, दो दिन पहले का जो नाइट में हुआ था वो बहुत ही असहनीय था, उसको हम नहीं सह सकते थे। ऐसे में सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल पुलिस का मदद हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने बोला है कि उस दिन सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, उसके लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा है। आपको लगता है कि सिक्योरिटी और ज्यादा बीफअप होना चाहिए यहाँ का? सिक्योरिटी ऑब्वियसली होना ही चाहिए, जो हुआ है लास्ट दो दिन में जब मॉब एंटर किया है दैट इज अनएक्सेप्टेबल। हम कैसे मान ले कि पुलिस इतना भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते थे कि चलिए मान लीजिए फर्स्ट दिन जो हुआ वो हुआ, देवर अनप्रिपेयर्ड, बट उनको पता था कि ह्यूज रैली आएगा, एवरीवन विल कन्वर्ज एट आरजी कर। डिस्पाइट दैट पुलिस कैसे एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि सच एन इंसिडेंट फिर रिपीट हो सकता है, ये तो टोटल एकदम फेलियर है उनके तरफ से, एकदम फेलियर है। इतना मैंने पढ़ने का, इतना हाई पोस्ट रखने का क्या फायदा कि आप जो हम लोग एंटिसिपेट कर पा रहे हैं आप एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे हो।
दे डिड नॉट टेक अ सिंगल स्टेप अगेंस्ट देम एंड ये सब गलत है बिकॉज लाइक कोई भी आ जाएगा रैंडमली सबको पता था एवरीबडी न्यू अबाउट द रैलीज एंड एवरीबडी न्यू अबाउट बाहर में भी जो रैलीज आ रहा था बहुत जगह बहुत सारा रैलीज हो रहा था सो ऑब्वियसली पुलिस प्रोटेक्शन यहाँ पे एकदम मतलब जहाँ पे एकदम एपी सेंटर है ऑफ द प्रोटेस्ट वहाँ पे तो ऑब्वियसली हाई सिक्योरिटी होना चाहिए था एंड दे शुड हैव टेकन एन एक्शन मैम आपको लगता है कि सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम हो ताकि ज़्यादा जो है आप लोगों को सिक्योरिटी मिल सके बिल्कुल क्योंकि जब ऐसा अटैक हुआ हमारे ऊपर तो कोलकाता पुलिस भी हैंडल नहीं कर पाई उस मॉब को इतना वायलेंट मॉब था हमें भी अपने जूनियर्स को और अपने सीनियर सबको सिक्योर करना पड़ा खुद से ही तो वहाँ पे पुलिस काफ़ी इनकॉम्पिटेंट प्रूफ हुई तो आई थिंक सेंट्रल अगर फोर्सेज रहते तो हमें ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी मिलता तो सेंट्रल फोर्सेस का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एक बार फिर से आपको कोलकाता की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कोलकाता में बीजेपी का ये प्रदर्शन जिसकी तस्वीरें आप जरा देखें ये तस्वीरें आपके सामने जो महिला कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त आपको नजर आ रही है बीजेपी की जो सड़कों पर उतरी है महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के बाद ये आक्रोश उबाल ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रोटेस्ट की और पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई है प्रोटेस्ट को वहीं पर खत्म करने की कोशिश की गई है दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पुलिस की गाड़ी भी आपको नजर आ रही है और कोशिश ऐसा लग रहा है ये की जा रही है ताकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता और ये देखिए उन्हें इस गाड़ी में भी पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया कुमार कुंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए कुमार क्या जानकारी देखिए कोरोना आज बीजेपी ने चक्का जाम और प्रोटेस्ट का एक आह्वान किया था और उसको लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास जहां पे कि सीबीआई का दफ्तर है वहां पे ये प्रोटेस्ट होना था और इस प्रोटेस्ट में जब बीजेपी के आला नेता पहुंचे और प्रोटेस्ट थोड़ा वायलेंट होना लगा तो पुलिस को हल्का फुल्का लाठीचार्ज करना पड़ा इसके साथ ही पुलिस ने कई सारे प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया है इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सब लोग यहाँ पे शामिल होने थे तो आज का जो दिन है एक तरीके से कई जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है और हाईकोर्ट की फटकार के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोलकाता पुलिस ने कई सारे स्टेप्स उठाए हैं उसी को तहत इसको देखा जा रहा है करुणा जी कुमार हम रूपा गांगुली को भी देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ कई जो महिला कार्यकर्ता है ऐसा लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं महिला कार्यकर्ता नेता उन्हें गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाने की कोशिश हो रही है क्या हो रहा है वहां पर देखिए ये सेंसिटिव इलाका है सीजीओ कॉम्प्लेक्स और जिस जगह से प्रोटेस्ट हो रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग है कि जो कुछ भी किया गया है पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरे मामले की लिपापोती करने के लिए हिलावाली करने के लिए इसलिए वो लोग जो है एक स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने उस जगह को चुना जहाँ पे कि ये सीबीआई सारा इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस का ऐसा कहना है कि ये जगह हाइपर सेंसिटिव है यहाँ इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं हो सकता और उनका कहना है कि नेचर ऑफ प्रोटेस्ट जो था वो वायलेंट हो सकता था इससे पहले हमने उनको डिटेन किया है क्योंकि जो है प्रोटेस्टर्स जो है हिंसक हो सकते उसमें भारतीय जनता पार्टी के चूंकि आला नेता भी शामिल है पूर्व राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली भी है इसके अलावा अनिल सुमित्रा पॉल भी है सब लोग वहाँ पे मौजूद है ये बेसिकली बीजेपी विंग फीमेल जो सेल है महिला विंग है उसकी तरफ से कॉल किया गया एक मिनट कुमार कुंदन वहाँ इस वक्त कुछ एक्टिविटी हो रही है जरा हम रुक करते हैं तो ये
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कोलकाता में, जिस तरीके से डॉक्टर का मर्डर, उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद सड़कों पर गुस्सा फूट रहा है। ये बीजेपी की महिला विंग की तमाम कार्यकर्ता नेता आपको नजर आ रही हैं, जो कि यहाँ प्रदर्शन के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस को इस बात की आशंका थी कि ये प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है। ऐसे में इन तमाम लोगों को हिरासत में लेने की शुरुआत की गई, जिसका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता। माथा लगे हमें।